हेलो दोस्तों, आप अगर टीवीएस की बाइक देख के मेरे चैनल पे बोर हो चुके हैं तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ केटीएम की ड्यूक 390। इसका डिटेल वीडियो होने वाला है तो अंत तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें लाइटिंग देख लेते हैं। तो फ्रंट में जो हेडलाइट मिलती है फुल्ली एलईडी मिलने वाली है। यहाँ पे चार कंपार्टमेंट बने हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये फुल्ली एलईडी लाइट का सेटअप है। यहाँ पे ये डीआरएल से दोनों ही साइड पे जो बाइक को बहुत ही अग्रेसिव लुक दे रहे हैं। की ऑन करने पे आपको कुछ डीआरएल का लुक ऐसा लगने वाला है। ये काफी फ्यूचरिस्टिक लुक दे रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। और इसकी हेडलाइट ऑन होने पे कुछ इस तरह का लुक देने वाला है। ये मैंने यहाँ पर लाइट भी इसकी ऑन कर दी है। और थ्रो की बात करें तो आप यहाँ शोरूम में इसका थ्रो देख सकते हैं, जबकि यहाँ दूसरी लाइटें भी ऑन है फिर भी इसका थ्रो क्लियरली समझ में आता है। साथ में एलईडी इंडिकेटर भी मिलने वाले हैं, और सेम एलईडी इंडिकेटर का सेटअप आपको रियर में मिलने वाला है, और टेल लाइट भी आपको यहाँ पे एलईडी में मिलने वाली है। तो अब इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देख लेते हैं, जिसको चाबी लगाने पे कुछ ऐसा एनिमेशन देखने को मिलेगा आपको। और इसमें आपको गाड़ी के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, उस पर बात में आएंगे। जो कूल चीज है, आपको इसमें इल्यूमिनेटिंग लाइट्स मिल जाती है। बटन के ऊपर भी जो स्विचेस है इनके ऊपर भी आपको लाइट्स देखने को मिलेगी, और ये की ऑन करते ही आपकी लाइट्स जो है इल्यूमिनेट होने लगती है। अगर मैं इसे ऑफ करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ऑफ हो जाती हैं। तो ये काफी कूल चीज लगती है। इसमें काफी ज्यादा स्पोर्ट्स वाली फील आती है, बहुत ही अग्रेसिव लुक है इस बाइक का। और ये शार्प फेयरिंग जो है इस बाइक की, ये इस चीज को बहुत ही अग्रेसिव कर देती है। तो बैजिंग देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे ड्यूक 390 की बैजिंग यहाँ साइड पैनल पे देखने को मिल जाएगी। KTM की बैजिंग जो कि 3D में है, और इसे एक कॉम्प्रेस में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे अपेक्स के सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको USD सस्पेंशन मिलेगा, और डिस्क ब्रेक का साइज देख सकते हैं। ये ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 10 इंच का डिस्क ब्रेक होने वाला है इसमें, और जो कि यूजुअली स्कूटर में आपको इतने बड़े रिम मिलते हैं। इसमें 17 इंच का अलॉय व्हील मिलेगा। 110x70 के ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं। वहीं पीछे की तरफ आपको 150x60 के ट्यूबलेस टायर मिलने वाले हैं, सेम 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ। पीछे का भी जो डिस्क ब्रेक है आपने दूसरी बाइक में बहुत ही छोटे देखे होंगे, लेकिन इसमें इसका डिस्क ब्रेक का साइज भी काफी बड़ा है। और इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलने वाला है, तो सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है स्पोर्ट्स बाइक में। और इसमें आपको अंडरबेली साइलेंसर मिलने वाला है। अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप शायद इसे मिस कर देंगे, देख भी नहीं पाएंगे साइलेंसर को। बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी की डिजाइन के साथ इसे छुपा दिया गया है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलते हैं सेम अपेक्स के, जो कि यूजुअली आपने देखा होगा सेंटर में माउंटेड होते हैं, लेकिन इस बार इसे राइट साइड पे माउंट किया गया है। यहाँ पे आपको क्रैश गार्ड भी मिलने वाला है जो कि कंपनी से फिटेड है, और ब्रेक की क्वालिटी अलॉय मेड है, फुटरेस्ट जो है राइडर का और पिलियन राइडर का दोनों का सेम क्वालिटी का है, और ये भी अलॉय का बना हुआ है। इसमें रबड़ की पैडिंग है, तो ये चीज अच्छी होने वाली है। रबड़ की पैडिंग होने से फायदा ये होता है कि वाइब्रेशन जो होती है गाड़ी की राइडर के पैरों में कम जाती है, क्योंकि पीछे की तरफ जो पिलियन राइडर अगर लेडीज बैठती हैं तो उनके लिए साड़ी गार्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चैन कवर ये फाइबर का है, फाइबर मेड मिल जाता है। और जो इसका स्विंग आर्म देख रहे हैं ये भी अलॉय का है, और काफी डिजाइन करके बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई पाइप उठाई काटा और बना दिया स्विंग आर्म, ऐसा नहीं है, बहुत ही स्टाइलिश बनाया गया है। आप इसे देख सकते हैं, यहाँ से आता है और ये इस तरह से घूम के जाता है, और चैन जो है जिससे गाड़ी चलती है वो इसके बीच से होके जा रही है। तो ये डिजाइन भी काफी अच्छी लग रही है। KTM की यहाँ पे आइकॉनिक रही है जब से KTM आई है, जो इसका पाइप वाला फ्रेम था इसमें कम एक्सपोज किया गया है, लेकिन देख जितना भी एक्सपोज किया गया है ये देखने में अच्छा लग रहा है। और अपने सामने जो ये ब्लू कलर खड़ा हुआ है,
इसमें आपको मेटेलिक ऑरेंज भी मिल जाएगा, इसमें दो ही कलर ऑप्शन मिलने वाले हैं। छपरी, ये कौन बोला, कोई छपरी नहीं बोलेगा। अब बात करें कंफर्ट की, तो जब KTM शुरू में लॉन्च हुई थी तो उसमें सीट की कुशनिंग को लेके काफी कंप्लेन हुआ करती थी, लेकिन इस बार कुशनिंग भी काफी अच्छी मिलने वाली है अब आपको इसमें, और साथ में ग्रेप रेल मिलेगा जो कि काफी स्पेसियस है और आसानी से आप इसे पकड़ सकते हैं, और अगर इनकेस आपको बाइक को उठा के इधर उधर करना है तो आप इजिली कर सकते हो इस ग्रेप रेल की मदद से। छपरी यार मत बोलो यार। फ्यूल टैंक 15 लीटर का यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे BS6 E20 कंप्लायंट आपको यहाँ पे गाड़ी मिलने वाली है, और जो फ्रंट के सस्पेंशन है एडजस्टेबल है, आप इसकी सॉफ्टनेस और हार्डनेस को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ये छपरी बाइक की कीमत कितनी है? यार तुम लोग नहीं सुधरोगे, वीडियो पूरा देखो लास्ट में पता चल जाएगा। सेफ्टी के लिए आपको हैंडल पे नकल गार्ड भी मिलेगा जो कि मेटेलिक है और अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो जो हैंडल बार है उसके ऊपर ही दिया गया है, आपको हैंडल बार बीच में दिखाई नहीं देगा, और जो की का इनलेट है वो आपको फ्यूल टैंक के जस्ट ऊपर मिलने वाला है। और यहाँ पे मैंने एक चीज और नोटिस की, इसका जो आप रियर व्यू मिरर देखेंगे ये भी अलॉय का बना हुआ है, बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी का लग रहा है, और लीवर्स भी डिसेंट से हैं और ये एडजस्टेबल हैं, आप अपने हाथों की लंबाई के हिसाब से यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और ये चीज दोनों ही लीवर्स में आपको मिल जाएगी। यार ये छपरी बाइक माइलेज कितना देती है? पक्का तुम लोग छपरी ही हो, इस सेगमेंट की बाइक का माइलेज कोई नहीं पूछता। इग्निशन ऑन करने पर 30 इयर्स ऑफ ड्यूक लिख के आता है, और यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, साइड स्टैंड लगा हुआ है उसका भी रिमाइंडर यहाँ पे मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको राइडिंग मोड मिल जाते हैं, अभी ये स्ट्रीट मोड पे है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा आपको रेन और ट्रैक मोड भी मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको साइड स्टैंड रिमाइंडर फ्यूल रिजर्व में नहीं है, ये सब इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेन्यू बटन पे क्लिक करने पे ये ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप इसमें ABS सुपर मोटो में आप रखेंगे तो जो पीछे वाला ABS है वो ऑफ हो जाएगा, अगर आप इसे ऑन करना चाहते हैं तो आप इसे सिंपली रोड में कर देंगे तो दोनों ही ABS ऑन हो जाएंगे। इसी तरह से इसमें राइडिंग मोड जो है अभी स्ट्रीट मोड पे है, रेन मोड है, ट्रैक मोड है, इसमें आपको ये तीन मोड मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको इसमें बाइक इन्फो के लिए एक ऑप्शन है कि फ्यूल टैंक फ्यूल लेवल कम है तो आपको यहाँ पे इस तरह से रेड इंडिकेटर दिखा रहा है, और आपको कूलेंट भी चेक करने की जरूरत है इसलिए यहाँ पे भी अलग कलर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, और यहाँ पे स्पीड कंट्रोलर कंट्रोल करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरे कनेक्टिविटीज, क्विक शिफ्टर, शिफ्ट लाइट, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, और मेन मेन्यू पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाएगा, बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा, स्पीड देखने को मिल जाएगा, ट्रिप वन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो इंजन ऑयल चेक करने का ऑप्शन लाइट दिख जाएगी, यहाँ पे चेक इंजन लाइट मिल जाएगी, ट्रैक्शन कंट्रोल की लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे ABS अपन ने पीछे का ऑफ कर रखा है तो यहाँ पे ये ABS के ऊपर से एक लाइन कटी हुई है, फ्रंट में का ABS ऑन है इसलिए वो हमेशा ऑन ही है, उसे ऑफ करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है। और वहीं लेफ्ट हैंड पे देखें तो आपको हजार लाइट की बटन मिल जाती है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पास बटन मिल जाएगी, यहाँ पे इसके मेन्यू को कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, हॉर्न बटन मिल जाती है, राइट हैंड पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगा और इंजन स्टार्ट बटन, सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाएगा। और अब लास्ट में इसके इंजन स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। इसे कंपनी ने 390 की ब्रांडिंग जरूर दी है, पर ये 398 सीसी ऑलमोस्ट 400 सीसी का इंजन इसमें आपको मिलने वाला है, जो कि सिंगल सिलेंडर 4 वॉल्व लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है, जो कि 45 BHP की पावर और 39 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि इस सेगमेंट की बाइक में बहुत ही सुपर पावर परफॉर्मेंस देने वाला है आपको। और इसमें आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जिसमें आपको एक नीचे और 5 ऊपर करने होंगे, साथ में आप रेडिएटर का फैन यहाँ पे अगर देख पा रहे हो, और रेडिएटर यहाँ पे अंदर लगा हुआ है,
और ये इसका एयर इंटेक वेंट है, जिसे थ्रोटल बॉडी भी कहा जाता है, वो भी बाहर से एक्सपोज हो रही है। अगर इसे हाइड कर दिया जाता, अंदर से कर दिया जाता, तो मे बी और भी अच्छा लुक देती। और सतना शहर में इसकी एक शोरूम कीमत जो है 3,11,000 होने वाली है। और इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको यहाँ पे क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, और लेकिन हाँ, इसमें आपको स्लीपर क्लच मिल जाते हैं, और जिसकी मदद से आप स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस बाइक से। और KTM की जो कि हमेशा से USP रही है, ये ऑरेंज कलर का टेक्सचर देना अपनी बाइक्स में, और जो कि फ्रेम में आप देख सकते हैं, इसके रिम में देख सकते हैं, अलॉय में देख सकते हैं, और पीछे भी ये सेम चीज़ है। और यहाँ पे जो स्प्लिट सीट है, इसके बीच में भी इन्होंने ऑरेंज टेक्सचर देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे रियर में आपको यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर देख सकते हैं आप। और जैसा कि इस सेगमेंट की बाइक में होता है, ये जो फ्यूल टैंक आप देख रहे हैं, ये मेटेलिक है, और अगर आप दूसरी इस सेगमेंट की बाइक में जाएंगे, तो ये फाइबर का एक काउल होगा, उसके अंदर एक्चुअल में फ्यूल टैंक होगा, जबकि इसमें आपको मेटेलिक टैंक मिलने वाला है। और यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो फ्रेम है उसे एक्सपोज किया है, ये जानबूझ के इस चीज को एक्सपोज करते हैं, इससे थोड़ी स्पोर्टी और मस्कुलर लुक आती है। और जब से KTM आई है, उनकी USP ही यही रही है कि फ्रेम को दिखाने की। यार इसे छपरी बाइक क्यों बोलते हैं? बस तुम जैसे लोगों की वजह से, बताता हूँ, ध्यान से सुनना। और अगर तुमको ये बात समझ में आ गई, तो आज के बाद तुम KTM को छपरी बाइक नहीं बोलोगे। एक इम्पोर्टेंट बात जो इस ब्रांड के बारे में मैं कहना चाहूंगा, KTM 2012 में भारत आई और यूथ के दिलों में छा गई, और 2017-18 तक सब कुछ सही चल रहा था, जब तक कि इसके डीलर्स भारत में कम थे, और तभी तक ही ये बाइक छपरियों की पहुंच से दूर थी। फिर KTM ने अपने डीलर्स देश के हर शहर में बनाना शुरू किया, इसलिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेल कर सकें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और क्योंकि KTM बहुत ही कम प्राइस पर बहुत ही स्टाइलिश और गुड लुकिंग बाइक दे रहा था, तो कुछ आवारा और नालायक लोगों ने भी ये बाइक ली। ध्यान दें, कुछ लोग ही ऐसे थे जिन्हें आज छपरी कहा जाता है। याद रखें, लोग छपरी होते हैं, बाइक नहीं। KTM ने बस गलती यही की कि उन्होंने हर छोटे शहर में डीलर्स बना दी। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।